कि आज पूरे देश के अंदर हर जिला स्तर पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें जो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं अडानी जी के ऊपर, और दूसरा जैसे हमारा पार्टी की तरफ से श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है और उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, उस संदर्भ में आज हम आपके बीच में आए हैं और आप सभी इसमें आए, आप सभी का हम धन्यवाद भी करते हैं हाँ कि आप समय निकाल कर हमारे इस पत्रकारिता के इस सभा में आए। आज का तो मुख्य यही है कि एक तो हाथ से हाथ जोड़ो में जो संदेश श्री राहुल गांधी जी ने का जो देना है हमने, और हिंडनबर्ग का जो आरोप लगाया है अडानी जी के ऊपर, उसके संदर्भ में आए आपके बीच में कि जो ये आरोप लगा है इसके बारे में सरकार कोई इसमें अपना कोई अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रही। आपने देखा हो श्री राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में काफ़ी सवाल उठाए हैं, लेकिन उन सवालों का कोई भी जवाब सरकार के द्वारा नहीं आया, और इसी वजह से पार्टी की तरफ से ये प्रोग्राम चलाया गया है प्रेस वार्ता का, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि विपक्ष की जो भूमिका है वो हमारी ही पार्टी एक है और हमारे ही नेता एक श्री राहुल गांधी जी हैं जो वो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं विपक्ष का। लोगों तक ये बात पहुंचे आपके माध्यम से, आज का ये भी एक उद्देश्य है। क्या आरोप लगाया सर? उन्होंने लगाया कि अडानी जी जैसे उनकी जो जो उन्होंने संपत्ति थी एकदम 37 गुना उनकी बड़ी है, तो किस तरीके से बड़ी है वो, और किस तरीके जो ये इसमें घपले हुए हैं वो सारे उनके बारे में। शेल कंपनी के थ्रू काला धन को पक्का किया गया है, हाँ जो मेन जो हमारा इशू है। और राहुल गांधी की जो लोकसभा में टिप्पणी थी उनको बिना किसी कारण से निकाल दिया गया। श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था, तो राज्यसभा की कार्रवाई से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से उस प्रोसीडिंग से ये जो इनके सवाल थे इन सवालों को हटा दिया गया। आज एक कई मुद्दे हैं देश के सामने, हम पूछना चाहते हैं भाजपा की सरकार से कि किसी प्लेटफार्म पर जवाब नहीं दे रही, तो हम लोगों के बीच जनता के बीच आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि आज सरकार ने कैसे क्या क्या किया है। 83,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी LIC की अडानी ग्रुप के ऊपर, आज उनकी वैल्यू जो है नेट वैल्यू 49,000 करोड़ रही है, 44,000 करोड़ का लॉस आम लोगों को, जिनको एक आम आदमी गरीब आदमी का पैसा LIC में इन्वेस्ट था उसको नुकसान हो चुका है, उसके शेयर की वैल्यू डाउन आ चुकी है। ऐसे ही SBI का पैसा लगा था, SBI का भी पैसा कम हो गया, 10.5 लाख अरब जो इनका था, अडानी जी का सिस्टम था वो हिडन, 24 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक इनकी मार्केट वैल्यू जो शेयर वैल्यू डाउन आ गई। आज ना तो सेबी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ना कोई RBI इस बात के ऊपर पूछताछ कर रहा है, ना ही कोई और देश की एजेंसी कर रही है। हाँ, अगर यही कोई आदमी विपक्ष को होता तो CBI, ED, इनकम टैक्स, जितने भी तमाम तरह की एजेंसीज हैं आज उनके घर पहुंच के उनको सबको ये नंगा कर देते, चाहे उनका कसूर भी ना हो। लेकिन क्योंकि ये मित्र काल चल रहा है, वैसे तो सरकार ये कहती है भाजपा की ये अमृत काल है, ये अमृत काल नहीं है, मित्र काल चल रहा है उनको बेनिफिट करने के लिए। और आज ये सब, पहले तो मोदी जी अडानी के जहाज में घूमते थे, आप सब ने देखा है प्रेस के माध्यम से अडानी जी के जहाज में वो घूम रहे हैं, अब अडानी जी मोदी जी के जहाज में घूम रहे हैं। और जिस जिस देश में अडानी मोदी जी जाते हैं, अडानी जी उसके बाद जाते हैं, साथ में जाते हैं, वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए गए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, बंदरगाह हो, हाइड्रोजन का मामला हो, सोलर सिस्टम का मामला हो, जिन कंपनियों में, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिन कंपनियों में इनका कोई तजर्बा नहीं अडानी ग्रुप का, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनको दिए गए हैं, आउट ऑफ द वे जाके दिए गए हैं। बॉम्बे में दूसरी एजेंसी एक एयरपोर्ट को हैंडल कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर CBI की रेड करके, इनकम टैक्स की रेड करके उनसे सरेंडर करा के आज जो वर्ल्ड का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है बॉम्बे, वो भी अडानी ग्रुप को इन्होंने दे दिया, जबकि इस लाइन पे अडानी ग्रुप क्या की कंपनीज का कोई तजर्बा नहीं।
हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।